अभी सीआई वाले जो है वो मुझे हरास करने के लिए आ गए हैं। मैं नहीं चाहता, मेरी वजह से मेरे सराउंडिंग में बहुत से लोग हैं मुझसे प्यार करने वाले हैं, सो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से, पादरी आलम अमजद की वजह से किसी को तंग किया जाए, मेरी फैमिली को तंग किया जाए। सो बाइबल मुकद्दस बताती है, ये मेरा मेरे घराने के लिए आप सबके लिए पैगाम है कि बस सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मेरा इस बात से कोई भी अमल दखल नहीं है, मैं इस बात में मुकम्मल तौर पर बेकसूर हूँ। इवन मैं उस दिन वाकये की जगह पर भी मौजूद नहीं था, मैं अपने रेस्टोरेंट मिस्टर गैबी को, जिसको हमने क्लोज किया और इस्लामाबाद में ओपन करना था, उसको प्लाजा देखने के लिए मैंने जो था बारह को जाना था, और उस दिन जो है वो मैं फिर जो है वो पिशावर की तरफ रवाना हुआ हूँ। 16 तारीख को जब सुबह के टाइम ये वाकया हुआ है, मैं 6 बजे के करीब, 6-7 के दरमियान मेट्रो स्टेशन पिशावर सदर मेट्रो स्टेशन के नीचे कोने पर एक पंप है, मेट्रो स्टेशन के पुल के नीचे कोने पर एक पंप है, वहां पर मैं मौजूद था। और बाकी भी मेरे आते हुए भी आप वीडियोस देख सकते हैं, 15 तारीख को जब मैं रवाना हुआ वो भी आप वीडियोस देख सकते हैं। लिहाजा मैं अपनी फैमिली को यही पैगाम देना चाहता हूँ, आप सबको पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे लिए दुआ की जाए, मेरे लिए आवाज उठाई जाए, मैं बेगुनाह हूँ, खुदा सच्चाई है और सच्चाई हमें आजाद करती है। आमीन आमीन। सो आप सबसे भरपूर अपील है, मेरे घराने के साथ खड़े हों, मेरे साथ खड़े हों, गॉड ब्लेस यू। मैं अभी जा रहा हूँ, भाई बाहर खड़े हैं, सीआईए वाले बाहर खड़े हैं, सो आई विल बी रेस्टेड, बट आई एम बिलीविंग इन गॉड। और मैं यही कहूंगा कि कोई भी चीज जो है वो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। पौलुस रसूल का ये पैगाम, मौत भी हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। मैं सच्चाई पर हूँ, सच्चाई पर कायम रहूंगा। खुदा हम आप सबको बरकत दे, आप परेशान ना हो। ओके, स्टे स्ट्रॉन्ग।